गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आपका होली का त्यौहार सुखपूर्वक और परिवार के साथ बीता होगा। और जो लोग बाहर रहते हैं, यानी तैयारी करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो वो लोग भी छुट्टियां लेकर गए होंगे। यदि नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने वीडियो कॉल एंड किसी भी माध्यम से अपने परिवार वालों के साथ होली ज़रूर मनाई होगी। तो ऐसे ही हमेशा आप साथ रहें, खुशी रहें, यही हमारी कामना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की तरफ। डिक्टेशन एज यूजुअल 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता से लिया गया। जागरण को 80 इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पहले 421, 431 वर्ड्स हुआ करते थे, बट अब 366, 390, 380 हुआ करते हैं, तो इसलिए हम इसे कम स्पीड में करने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम इसमें एक एडिटोरियल और ऐड कर देंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो किसी ने कमेंट किया था कि पीडीएफ के लिए पेड बैच ज्वाइन करना होगा क्या, ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब पे डिक्टेशन दिए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको फ्री दी जाती है। और वो कहाँ दी जाती है, टेलीग्राम चैनल पर, जिसे ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च करना है शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ एक लिंक दी गई होगी सबसे ऊपर, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर बैठक में जिस तरह दोनों देशों ने आर्थिक व्यापारिक मामलों में सहयोग पर जोर दिया, उससे यही पता चलता है कि भारत विश्व मंच पर अपनी महत्ता स्थापित करने और साथ ही अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ऑस्ट्रेलिया सरीखे उन देशों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने में सफल है जिनका यूक्रेन मामले में अलग रुख है, बल्कि यह भी है कि भारतीय नेतृत्व ऐसे देशों को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराने में भी सक्षम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल है जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, वैसे ही जापान भी। पैरा। पिछले दिनों नई दिल्ली आए जापान के प्रधानमंत्री भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की तरह यूक्रेन मामले में भारत के नज़रिए से सहमति व्यक्त करते दिखे। ये दोनों देश भारत की भागीदारी वाले उस क्वाड समूह का हिस्सा हैं जिसका एक सदस्य अमेरिका भी है, और यह किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान के समय अनुपस्थित रहने के बाद भी वाशिंगटन ने न केवल संयत एवं संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि भारत पर इसके लिए अनुचित दबाव बनाने से भी बचा कि वह उसके पाले में खड़ा हो। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जब जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका के अन्य सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब भारत ने उससे कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भारतीय हितों को सर्वोच्च वरीयता देने और साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति
पर कायम रहने के अपने संदेश को बार बार व्यक्त करते रहते हैं। पैरा निसंदेह विश्व मंचों पर इस संदेश को रेखांकित करने में एक बड़ी भूमिका विदेश मंत्री जयशंकर की है। कोरोना और फिर यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी सक्रियता दिखाई उसकी मिसाल मिलना कठिन है। भारत की यही कूटनीतिक सक्रियता यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को निकालने में मददगार बनी, लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने उसे देखने समझने से तो इनकार किया ही। उल्टे मोदी सरकार की बेवजह आलोचना भी की। अंधविरोध से उपजी इस आलोचना का कहीं कोई मूल्य महत्व नहीं था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालना आसान नहीं होता। डिक्टेशन समाप्त हुआ 80 शब्द प्रति मिनट का। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट। हाँ, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि हमारा जो पेड बैच है उसमें आपको सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। आपने अगर किसी और अन्य का बैच ज्वाइन किया होगा तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमारी तैयारी कैसी होती है। एंड अदर्स, हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे, बट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं फिर यहाँ 2 महीने ज्वाइन करते हैं, फिर कहते हैं कि थोड़ा फ़ीस एक्स्ट्रा है तो हम कम फीस में कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें पछताना पड़ रहा है, तो ये होता है। तो आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है आज के ज़माने में। तो अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर आते हैं कहते हैं कि हमने गलती कर दी, तो ये है। सोच समझ कर कुछ भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ही बैच ज्वाइन करिए, बट कुछ भी करिए तो सोच समझ के करिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ का जो समय है वो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसे आपको सोच समझ कर ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला है। तो तैयारी करिए, जम के करिए और जल्दी से जल्दी सफल हो जाइए, और अपने माँ बाप और हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए थी कि वह लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए ऐसे उपाय निकाले ताकि आम आबादी के बीच आय और खर्च को लेकर संतुलन बना रहे, मगर हालत यह है कि बाज़ार में अमूमन सभी वस्तुओं की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। खाने पीने की चीज़ों तक के दाम लंबे समय से जिस स्तर पर हैं उससे बहुत सारे लोगों के सामने अलग अलग स्तर पर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। पैरा, इस बीच डीजल की थोक खरीदारी में एक साथ 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का बाज़ार पर क्या असर पड़ेगा यह समझना मुश्किल नहीं है। यूँ डीजल के दाम में वृद्धि के पीछे सरकार की दलील यह है कि बढ़ोतरी केवल थोक खरीदारी के लिए की गई है और खुदरा बिक्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भी बताया जा रहा है कि ताज़ा कदम के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध
की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। इसकी वजह से बस या माल जैसे व्यावसायिक परिसरों के लिए डीजल की खरीदारी से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा था। पैरा विचित्र यह है कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में किसी वजह से गिरावट आती है, तब शायद ही खुले बाजार में पेट्रोल या डीजल के दाम में कमी की जाती है। मगर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में तेजी हवाला देकर इसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। सवाल है कि अगर बड़े वाहनों, व्यावसायिक परिसरों, हवाई अड्डों और औद्योगिक इस्तेमाल में खपत के लिए इतनी ऊंची कीमत पर डीजल खरीदा जाएगा, तो क्या इसका असर इनसे संबंधित व्यवसायों पर नहीं पड़ेगा? पैरा विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद सपा और बीजेपी ने दोनों ने राजा भैया को घेरा। क्या अक्षय प्रताप सिंह को दिला पाएंगे जीत? पैरा क्या थोक में महंगे तेल की खरीदारी की भरपाई करने के लिए बड़े वाहन माल ढुलाई या यात्री किराया बढ़ाकर नहीं करेंगे? यह किसी से छिपा नहीं है कि समूचे देश में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा सड़क परिवहन पर निर्भर है। डीजल की कीमतों में किसी भी इजाफे का सीधा असर खुले बाजार में बिकने वाली हर वस्तु पर पड़ता है। ऐसे में डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने का आश्वासन सिर्फ दिलासा भर है। पैरा दरअसल बीते कुछ वक्त से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे थे। माना जा रहा है कि इसके पीछे विधानसभा चुनाव बड़ी वजह रहे, जिसमें महंगाई का असर वोटों पर पड़ सकता था। अब 5 राज्यों में चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए एक साथ 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद इसका कोई राजनीतिक जोखिम नहीं है। लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी सरकार के ऐसे रुख को जनपक्षीय कहा जा सकता है? पैरा यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले 2 सालों से महामारी पर काबू पाने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी आदि वजहों से ज़्यादातर आबादी की आय या तो रुक गई है या फिर खत्म हो गई है। करोड़ों लोगों के रोजगार पर आफत आई है। लोग किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में परोक्ष रूप से बढ़ाई गई कीमतें पहले से ही महंगाई के मोर्चे पर जूझ रही आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगी। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह आम जनता की माली हालत समझते हुए इस तरह के फैसलों के बजाय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय करे। बीच में डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा, जैसा कि आप लोगों को पता है, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, बट अभी हमें लगा कि थोड़ा सही हो गया है तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट हाँ, अभी सही है, टेंशन ना लीजिए आप लोग। एंड हाँ, अभी एक और बात बतानी है यहाँ पे, एक जो मैटर है ये रहा विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद और ये क्या दिला पाएंगे जीत। ये जस्ट एक जो ऐड लगा देते हैं वो वाला है, उसे हम एडिट नहीं कर पाए, मतलब हटा नहीं पाए, उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। जब ऐड कर दिया है तो आप लोगों को भी लिखना है। जब डिक्टेशन लिखेंगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा बीच में, बट आप शॉर्ट हैंड
लिखना जानते हैं तो अगर कैसा भी डिक्टेशन आता है तो आप लिख लेते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए। और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके।